इन खूबसूरत फूलों से लदे हुए प्लांट का नाम है एडेनियम। इसकी मिट्टी बनाने के लिए मैंने 6 भाग सफ़ेद रेत और 4 भाग वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया था। इस प्लांट को हर तरह के मौसम में आप फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखें। फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। वाटरिंग तभी करें जब इसकी टॉप लेयर ड्राई हो जाए। ओवर वाटरिंग करने से इस पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और पौधे में फंगस लगने की समस्या आती है। फंगस से बचाव के लिए आप साफ फंगिसाइड का प्रयोग करें। ये पौधा मेरे पास 4 साल से है, लेकिन मैंने आज तक इस पौधे पर किसी भी तरह के कीटों का अटैक नहीं देखा है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।